टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। डैडी अभी आजकल ये इतना डैडी कहना सीख गया ना, पेपा पिग देखता है तो उसमें मम्मा पिग, डैडी पिग, ऐसे ऐसे करके वो पेपा बोलता है ना, तो वही इसने कॉपी कर लिया है। तो दिन भर डैडी डैडी, तो कुछ तो उसका देखने का फायदा हुआ कि ये, और इसको इतना पता है कि ये मम्मा नहीं है डैडी है, मतलब पापा को ही डैडी बुलाता है, उनको देख देख करके, उनके मुंह की तरफ देख देख करके बोलता है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हम लोग चल रहे हैं सज्जनगढ़ पैलेस देखने। उसको मानसून पैलेस भी बोलते हैं क्योंकि जब बनवाया गया था ना, तो स्पेशली मतलब मानसून देखने के लिए बनवाया गया था, वहां से ऊपर से ना मानसून दिखता था। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग और इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। हो घूमने आओ ना कहीं, तो ऐसे ही होता है, बीच बीच में थोड़ी देर रूम में आकर के रेस्ट ले लो, फिर निकल जाओ, फिर निकल जाओ, ऐसे ऐसे करके ना पूरा टाइम निकल जाता है। फिर ये होता है कि अभी घर जाने का भी टाइम आ गया, तो भी हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि बस रात में सोने आए और दोपहर में थोड़ा सा 2-2.5 घंटे के लिए रेस्ट किए, बेटों को सुलाएं, फिर इसके बाद निकल जाते हैं। अपना रूम दिखा क्या आपको? सारे रूम को देख करके ना इसको लगता है कि ये हमारा रूम ही है क्या? कहाँ चल रहे हैं बेटू, कहाँ जा रहे हैं? तो बिल्कुल आने को ही रेडी नहीं है उसको, उधर साइड इतना मजा आता है, जिधर से रूम स्टार्ट होते हैं ना उधर साइड ही ये घूमता रहता है, इसको इतना मजा आता है। चलते हैं फिलहाल हम लोग, चलना नहीं आपको, वही घूमते रहना है। हाँ जाने दो, जाओ। अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और आप लोगों को मैं बताऊं, इस बार के उदयपुर के ट्रिप में ना मैंने अपने मेकअप पाउच में रखा है ये ममा अर्थ का, दिखाऊं आपको, ग्लो सीरम मिनी फाउंडेशन। और ये मिनी फाउंडेशन ना ट्रेवल फ्रेंडली पैक में आता है, तो मुझे ये बहुत सही लगता है, इसको कैरी करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और ये आते हैं जस्ट 349 रुपीज में। गाइस अगर आपका रेगुलर फाउंडेशन बहुत केकी, पैची और ड्राई दिखता है तो अब आपकी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि ये ममा अर्थ का फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट है और आपकी स्किन को देता है 2x इंस्टेंट ग्लो। ममा अर्थ के ये मिनी फाउंडेशन 3 शेड्स में आते हैं, तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, लाइक न्यूड ग्लो, क्रेम ग्लो, आइवरी ग्लो। एंड गाइस अभी मैं तीनों फाउंडेशन आपको लगा करके दिखाती हूँ। ये आपको देता है परफेक्ट इवन कवरेज, साथ ही 12 घंटे का लॉन्ग स्टे। इसमें है विटामिन सी एंड टर्मरिक, जिससे आपको मिलता है ब्राइटनिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। सेकेंड मैं ये न्यूड ग्लो फाउंडेशन लगा रही हूँ, ये क्लिनिकली टेस्टेड है जो ऑल इंडियन स्किन टोन को सूट करता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप सेफली इसे डेली में यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये मिनी फाउंडेशन बहुत पसंद आते हैं। थर्ड मैं ये आइवरी ग्लो फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। आपको बताऊँ ये फाउंडेशन फुल साइज के 30 ml पैक में भी आता है, जो आपको मिल जाएगा 599 रुपीज़ में, और ये 9 सेट्स में अवेलेबल है। सो आप अगर अभी तक ममा अर्थ के ये फाउंडेशन नहीं यूज किया है तो मिनी पैक से ट्राई कर सकते हैं और फिर फुल पैक भी ले सकते हैं। अभी आप मेरा फेस देख सकते हो कितना नेचुरल और ग्लोई लग रहा है, तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड GWP2023 यूज करेंगे तो आपको ममा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर करिए और ये मिनी फाउंडेशन ट्राई करिए। सज्जनगढ़ पैलेस में ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर आने में ही मेन है, इतना चढ़ चढ़ करके ऊपर आते हैं ना, मुझे ना मुन्नार की याद आ गई, इतना ज़्यादा चढ़े जा रहे थे, इतना अप डाउन था कि जब मुन्नार गई थी ना मैं तब ऐसे था, इसके बाद से तो फिर कभी ऐसा नहीं है। मैं इधर साइड आपको सूट करके दिखाती हूँ, फिर इसके बाद चलते हैं ऊपर पैलेस घूमते हैं। बेटू को पापा ले लिए, वरना इतनी सीढ़ियाँ हैं ना मेरे बस का नहीं है इतनी सीढ़ियों,
पे चढ़ करके बेटू को ऊपर ले जाने का। बेटू क्या इतना ठंडा ठंडा लग रहा है? हाँ ऊंचाई की वजह से, मतलब नीचे की कंपेयर में यहाँ और ज्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है। बेटू देखो मंकी, चारों तरफ मंकी ही मंकी हैं। बेटू वाह क्या व्यू है। हम लोग आ गए हैं मूवी पॉइंट, आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग होती है। तो हम लोग फिलहाल आए हैं यहाँ से सब देखने और साथ में फोटो खिंचाएंगे। किस किस मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे भैया? किस किस मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे? धड़क मूवी, लव आजकल 2, जीत मूवी, हाँ दमाल। धड़क की तो उदयपुर में, लव आजकल 2 की भी शूटिंग है। धड़क मूवी तो उदयपुर की ही पूरी थी ना स्टोरी। इधर से ये लुक अच्छा है।
सज्जनगढ़ पहले से हम लोग नीचे आ गए हैं और रास्ते में हम लोग खा रहे हैं ये सेव पूरी दही पूरी। तो भूख लगी थी तो सोचे चलो कुछ खा लेते हैं। हम लोग आ गए हैं अभी सज्जनगढ़ पहले से और अभी हम लोग आए हैं, पीछे दिखाऊँ आपको, यहाँ विंटेज कार कलेक्शन में आए हैं राजा लोग की जितनी कार का कलेक्शन है ना वो सब यहाँ है, तो वही देखने आए हैं। एक तो यहाँ उदयपुर में ना इतना कुछ घूमने को है कि आप जितना भी घूम लो उतना कम है, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को। एक ही सामने बहुत बड़ा सा पार्क भी है बट फिलहाल इतना नहीं हो पाएगा बच्चे के साथ कि यहाँ भी चले जाओ वहाँ भी चले जाओ। वैसे मेन मेन जितनी जगह हैं वो सब हमने देख लिया है। इधर से ही चलते हैं। आ जाओ बेटू, बेटू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। देखो इनको बाहर निकलना है, वो गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। मम्मा जा रही है, तुम दोनों रहो यहीं। ये पहले के टाइम की कार जो राजा लोग यूज करते थे। रवीना टंडन ने मैरिज में कौन सी वाली यूज करी थी? ये वाली, ये रेड वाली ने यूज किया था। अच्छा, अपने प्रेम रतन सेन पायो देखा? हां हां, उसमें नील नेशन के सपने मैंने जिसको गिफ्ट करता था वो ये वाली कार। इसमें बीच में प्राइवेसी ग्लास पटन से माइक पर तो ये सब गाड़ियां चलती हैं सारी रेंज में। तो जो भी करंट के राजा हैं वो इन गाड़ियों को यूज करते हैं, यूज करते हैं अभी। उनके नगर का कार है ये पागल कर रहा है जिसको यूज किया था पूरी नगर को कहते हैं गेम। ये रोल्स रॉयस जीप 34 का रोल्स रॉयस जीप स्पेशल मॉडिफाई किया हुआ है क्रिकेट टीम के लिए। लेट मारा ना, सब क्रिकेट खेलते थे पैलेस से ग्राउंड जाने आने के। जो भी करंट के राजा हैं वो इस गाड़ी से चलते हैं। अच्छा, इसको दो अवार्ड मिले हैं बॉम्बे और यूएस में। इस कार को, इस गाड़ी को बेस्ट रीस्टोरेशन कार ऑफ वर्ल्ड। ये कौन सी कार है? स्टैंडर्ड है वो। ये प्रेम रतन धन पायो वाला सेकंड कार जो अपनी सेक्रेटरी प्रेम रतन धन पायो मूवी में यूज हुई थी, अपनी सेक्रेटरी को गिफ्ट करता है वो सेल्फी लेती है। पोस्टिंग कैमरे 61। तो राजा अभी इस बग्गी से चलते हैं। नकली घोड़े कैसे चलेंगे?
हम लोग घूम लिए हैं, अभी चलते हैं रिजॉर्ट। तो रास्ते में हमने ये राजस्थान वाला मलाई घेवर लिया हुआ है, तो यहाँ का मलाई घेवर का अलग ही टेस्ट रहता है। तो मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी, पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।